केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के उस बयान पर किसानों ने खुशी जाहिर की है जिसमें उन्होंने कहा था कि पराली जलाना अब दंडनीय अपराध नहीं होगा। किसानों में इस बयान के बाद खुशी की लहर है। किसानों का कहना है कि ये उनके संघर्ष की जीत है, सरकार ने उनकी मांगों को माना है। ऐसे में जब तक बाकी मांगे भी नहीं मान ली जाती तब तक वो वहीं बैठे रहेंगे। हम अपनी सारी बनवा के उठेंगे, उससे पहले MSP गारंटी और तीनों कानून रद्द कराने के अलावा हमारी और भी कुछ मांगे थी जिसमें पराली का जो ये कानून लेकर आए थे और इसके अलावा बिजली संशोधन बिल था। और आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान आया है जो पराली पर क्रिमिनल ऑफेंस का केस बनाया जाता था किसानों पर, उसको भी उन्होंने वापिस ले लिया है। ये आपके संघर्ष की ये दूसरी बड़ी जीत है और सारे साथियों से अपील है जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाती, जिस प्रकार से आज कृषि मंत्री को पराली वाले इनको अभी पीछे हटना पड़ा मुद्दे से, इसी प्रकार ये सारे मुद्दों पर हमारे आगे टिकने वाले नहीं है, तो ये आपके संघर्ष की जीत है। सारे साथियों से अपील है जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक लगातार आंदोलन जारी रहेगा। आज एक और आपके आंदोलन की जीत हुई है। तीनों काले कानून रद्द होने के बाद आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान आया है जो पराली जलाने पर किसान को इन्होंने मुकदमा दर्ज करके सजा का एक कानून बनाया था। आज इसने बयान दिया है नरेंद्र तोमर ने कि उसको सरकार वापस लेगी। आपके संघर्ष के सामने सरकार को झुकना पड़ा। ऐसे ही आप संघर्ष करते रहें, एकता के साथ मजबूती से आंदोलन को लड़ते रहें और MSP पर कानून बनाकर ही हम वापस लौटेंगे।